अगर आपको भी देश के आम बजट को जानने की ललक रहती है तो फिर ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। देश की सभी जरूरतों को पूरा करना और कई मंत्रालयों और राज्यों की योजनाओं के लिए बजट बनाना कोई आसान नहीं है। इस बजट से आम आदमी और कारोबारियों को काफी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं पूरे देश का साल भर का बजट बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं रमन हूं और आप हैं मंच पर। बजट बनाने की प्रक्रिया संसद में पेश करने से 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसके लिए अलग अलग प्रशासनिक निकायों से आंकड़े मंगाए जाते हैं। इन आंकड़ों से पता किया जाता है कि उन्हें कितने फंड की जरूरत है। साथ ही तय किया जाता है कि जन कल्याण योजनाओं के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। इसी हिसाब से अलग अलग मंत्रालयों को फंड दिया जाता है। बजट तैयार करने में वित्त सचिव, राजस्व सचिव और सचिव व्यय की भूमिका सबसे अहम होती है। इस बजट पर इनकी हर दिन कई बार वित्त मंत्री से बात होती है। कई बार तो देर रात तक बैठकों का दौर चलता है। ये बैठकें नॉर्थ ब्लॉक से लेकर वित्त मंत्री के आवास पर भी होती हैं। कई बार वित्त सचिव की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ बैठकें होती हैं। इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को बजट से पहले अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के कई एक्सपर्ट, अतिरिक्त सचिव व्यय, नीति आयोग के सदस्य सचिव और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद भी बजट टीम में काम करते हैं। वहीं कई बार अलग अलग संगठनों की मांग और सुझाव पर भी बदलाव किया जाता है। बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया को इतना गोपनीय रखा जाता है कि वित्त मंत्री और उनकी टीम के अलावा सिर्फ प्रधानमंत्री को ही इसकी जानकारी होती है। इसमें इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटरों को दूसरे नेटवर्क से डीलिंग कर दिया जाता है ताकि ये लीक ना हो। बजट पर काम कर रहा स्टाफ करीब 2 से 3 हफ्ते तक नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस में ही रहता है। उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं होती। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में लगे प्रिंटिंग प्रेस में बजट तैयार करने से जुड़े अफसर और कर्मचारी लगभग लॉक कर दिए जाते हैं। बजट के अंतिम समय में तो उन्हें अपने परिवार तक से बातचीत करने या मिलने की परमिशन तक नहीं होती है। आम बजट में देश के सभी मंत्रालयों और विभागों में साल भर में खर्च किए जाने वाली मदों और राजस्व प्राप्ति का ब्यौरा रहता है। साल भर में किन किन योजनाओं पर कितना खर्च करना है, इसकी पूरी जानकारी इस बजट में होती है। आम बजट में एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लेखा जोखा होता है। 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इसे आम बजट में मिला दिया गया। दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का बजट ब्रिटेन में दोपहर को पास किया जाता था। इसके बाद इसे शाम 5 बजे भारतीय संसद में पेश किया जाता था। देश का बजट साल 2000 तक शाम 5 बजे ही पेश किया जाता था। हालांकि 2001 में एनडीए के शासन में बीजेपी के वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने सालों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ते हुए बजट का समय सुबह 11 बजे का किया। तब से बजट लोकसभा में सुबह 11 बजे ही पेश किया जाता है। वहीं मोदी सरकार ने आम बजट को लेकर एक और अहम बदलाव किया है। साल 2016 तक भारत में फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। इससे बजट पर चर्चा करने के लिए काफी समय मिल जाता है। अब 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है। अब आपको बताते हैं किसके नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। तो मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। हालांकि बाद में वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। इसी तरह इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 1970 में बजट पेश किया था। पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। तो अगली बार आप बजट के बारे में देखेंगे या सुनेंगे तो आप पूरी तरह तैयार हैं उसकी बारीकियों को समझने के लिए। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।